आगरा के विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत सिकतरा के ग्रामीण जल भराव की समस्या को लेकर काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से जल भराव है, लेकिन अधिकारी नेता कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है। वहीं ग्राम प्रधान से बात करने पर उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को सूचित किया है, नेताओं से भी कहा है, लेकिन ग्रामों की समस्या को कोई भी संज्ञान में नहीं लेता है। ग्राम प्रधान उमाशंकर बघेल का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद एवं जिला पंचायत को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि विकास कार्य कराने के लिए तैयार नहीं है। इधर सिकतरा की जनता 2024 का इंतजार कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि इस रास्ते से बुजुर्ग, युवा और बच्चे जब भी निकलते हैं कोई न कोई गिरता रहता है और उनके फ्रैक्चर भी होते रहते हैं। स्कूलों की बसें भी इस गड्ढों में फंस जाती हैं, लेकिन अधिकारी और नेताओं के कानों तक जू नहीं रेंगती। नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान। आज हम जनपद आगरा के विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत सिकतरा में है, जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है, आप देख सकते हो, ये जो जहां उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त सड़क होने का वादा करती है, वहां आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामे। यहाँ होकर विधायक की गाड़ी भी गुजरती होगी, यहाँ होकर सांसद की गाड़ी भी गुजरती होगी, यहाँ होकर जिला पंचायत भी गुजरते होंगे। यहाँ होकर ऐसा कोई नेता नहीं जो यहाँ होकर नहीं गुजरता हो। ये एक ऐसा रास्ता है जो पिछले 12 गांवों को जोड़ता है और ये यहाँ से सीधे बरहन के लिए निकलता है, लेकिन इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। आइए हम ग्रामीणों से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। बाबा राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा हरमन सिंह नाम है। बाबा, ये क्या समस्या है, कितने दिन से समस्या है? बहुत दिनों से, काफी दिनों से बहुत परेशानियां होती हैं। जहाँ बच्चे निकलते हैं, लेडीज गिरती हैं, सब बहुत समस्या आ रही है। यहाँ नरक पैदा हो गया है। आपने सांसद जी को बताया, विधायक जी को बताया, जिला पंचायत को बताया, प्रमुख किसी को अवगत कराया? अरे प्रधान जी से कहा, प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं सबको दे चुका हूँ। मैं प्रधान जी को भी, जिला पंचायत को दे चुका हूँ, और मैं प्रमुख जी को दे चुका हूँ, और सांसद जी को दे चुका हूँ, और विधायक जी को भी दे चुका हूँ। अभी कुछ ही दिन बाद 2024 आने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री एवं सांसदों का चुनाव होगा, तो ये वोट मांगने के लिए फिर आएंगे, फिर आप वोट कर दोगे? मान लो करेंगे का जी, हमारी समस्या नहीं तो क्या वोट फोट करेंगे? तो आप वोट किस बुनियाद पर करोगे? जब आप काम होगा तब करेंगे। आपका काम होगा तो ही आप वोट दोगे, और क्या? जो पार्टी इस काम को कराएगी उसी को वोट दोगे? उसी को देंगे। जो भी इसका जो प्रतिनिधि होगा, वोट जो कार्य कराएगा उसी को वोट दोगे? उसी को देंगे। पक्का? पक्का। मान लिया। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। किसको वोट करोगे इस बार? इसको हमको विकास करेगा उसको वोट। पक्का? विकास को ना मिलेगा, जाति को वोट मिलेगा। किसको वोट दोगे? जाति वोट देता आदमी, विकास देता वोट। विकास को वोट नहीं दोगे? कौन देता है? अभी तो इसकी स्थिति, इसके लिए क्या कहोगे? सड़क जैसी हो चुकी थी, जब तक नाला पानी का निकास नहीं होगा, सड़क तुम जब PWD से बनवा दो, किसी से बनवा दो, कुछ नहीं हो सकता। अब इसके लिए क्या सोचा है? पहले पानी का निकास होगा। पानी निकास कौन कराएगा? नाला तो ग्राम पंचायत से बनेगा, वो भी PWD बनाएगी। अब इसकी क्या व्यवस्था है, कैसे कराओगे इसको? मैं क्या बताऊं कौन बनाएगा? जब तो PWD जो कराएगी नाला, पानी का निकास मेन चीज होती है, पानी का निकास। जब तो पानी निकास नहीं होगा तब तक ये रोड तुम्हारा कितना भी हाईवे बनवा लो, वो नहीं सकते हो। यहाँ के जो प्रधान RC हो चुका है, आपने इस समस्या से ग्राम प्रधान को अवगत कराया? ब्लॉक में भी किया है, वीडियो भी डली है मेरी ब्लॉक प्रमुख में, सॉरी तुम्हारी ब्लॉक में। ठीक है, वीडियो साहब से बात भी हुई है। ठीक है, क्या बोला? कोई अभी तो समाधान नहीं है, जब तक पानी का निकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता इस रोड का। अच्छा, पानी का निकास भी तो विकास खंड से ही होगा, ब्लॉक से ही होगा आएगा, तो कोई अभी तक इस पर किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई नहीं है। पानी का निकास अभी से नहीं है, कम से 20 साल से पानी का निकास नहीं हो रहा है। इसके निकास के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे पानी, कहाँ का नाला बनेगा? नाले कहाँ के लिए जाएगा? ये नाला वो करे वहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए? यहाँ से स्कूल से लेके वहाँ, किसके घर से किसके घर तक कराना चाहिए? स्कूल से लेके पोखर तक होगा, तब होगा निकास। अच्छा, जैसे हमारे साथ ग्रामीण है, ग्रामीणों ने बताया ये तालाब कई वर्षों, ये जो जल भराव की समस्या कई वर्षों से है, इसका समाधान केवल एक ही तरीका है कि यहाँ से लेकर सरकारी विद्यालय से लेकर और तालाब तक अगर नाले का निर्माण करा दिया जाए तो ये जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। आइए हम यहाँ पर और बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। दादा राम राम। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये क्या समस्या है, कितने दिन से समस्या है? अब यहाँ समाधान कैसे हो? वो कह रहे हैं विधायक जी आए बिंदु, हमने कही पल्ले मोहल्ला में, क्या कहा विधायक जी ने? हो जाएगा जो कह जाते हैं। अच्छा, हुआ अगर हुआ नहीं? अच्छा अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। धर्मपाल करेंगे, धर्मपाल पलना बोर्ड से, पलना डाल दी रोड। हाँ भैया, ये आपके यहाँ जल भराव की समस्या है, इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए यही कहेंगे कि यहाँ से नाला बनना चाहिए, यहाँ तालाब है इधर जाना चाहिए। यहाँ पानी की कोई समस्या इसीलिए है, यहाँ से घरों का पानी आता है यहीं रह जाता है, सड़क बन जाए तो फिर भी वही पानी यही रहता है। मेन चीज है यहाँ नाला बनना चाहिए, यहाँ से सीधा तालाब के लिए। ग्रामीणों से बात करने पर मुख्य जो जल भराव की समस्या निकली वो थी तालाब तक पानी का न पहुंचना, यानी नाले का निर्माण कराना।
यहाँ पर मौजूदा प्रधान है, हम उनसे बात करते हैं और क्या है पूरा मतलब उनसे जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, आपकी पंचायत है सिकतरा, इस पंचायत में ये जल भराव की समस्या है, ग्रामीणों में काफी आक्रोश है जल भराव को लेकर इसकी समस्या के समाधान के लिए आपने किस अधिकारी से वार्तालाप की, आगे क्या कराना है क्या नहीं कराना, आप क्या कहते हैं उसके लिए? अरे मैं ये कहता हूँ, मैंने सेफ्टी साहब से ही किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास बजट नहीं है तो मैंने किसी और से करा दीजिए, तो हमने प्रमुख जी से कहा, विधायक जी से भी कहा, लेटर दिया, हम यहाँ से गए और एमसी साहब के लिए गए मंत्री यहाँ से, तो वो बोल देते हैं और लेटर वगैरह क्या कर देते हैं उसके बाद फिर भाई हमने थोड़ी समस्या है यहाँ पानी पानी की, तो मिट्टी की डलाई मानो जो हुआ है आपने जो कुछ हुआ उस तरीके से मानो पानी जल भराव के पूरी सबरी घस गई गाँव में, पेट्रोल पेट्रोल आने जाने के लिए उसका बहुत खराब है। अब ये स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे, क्या कहते हो भैया? स्कूल की बसेस में आएंगे, इधर से निकलते हैं, हेरिटेज वाले बच्चे आते हैं इसमें स्कूल फंस जाती है, फिर कैसे निकालते हो? ट्रैक्टर से निकालो या गांव वाले ढक्का वाले तब निकालते हैं बच्चे वहाँ से, उसके ऊपर पैदल आ रहे हैं, फिर फायदा क्या है पढ़ाने से? फिर ग्रामीणों से बात करने पर ग्रामीणों ने बताया ये जल भराव की समस्या, घरों मकान का जो पानी है वो बाहर रोड पर आकर इकट्ठा हो जाता है, इसका केवल एक ही निस्तारण है कि ब्लॉक प्रमुख या विधायक या सांसद, प्रधान निधि से इतना काम हो नहीं सकता, ब्लॉक प्रमुख संज्ञान लें या जिला पंचायत संज्ञान लें या विधायक जी संज्ञान लें या सांसद जी संज्ञान लें, जिससे इस नरक से यहाँ की जनता को राहत मिले। देखते रहिए छोटी बड़ी खबर लगातार, खबर एक्सपर्ट के साथ, धन्यवाद।